अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जैन मकसूद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, माइकल जैक्सन जो कि डांस की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम है और उनका एक स्टेप जो कि अवाम में बहुत ही मकबूल हुआ जिसको बैक मूनलाइट वॉक कहा जाता है, जो कि उनकी वजह शोहरत भी थी, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। चंद दिन पहले एक भारतीय नौजवान युवराज सिंह, जिसको बाबू माइकल भी कहा जाता है, उन्होंने एक वीडियो में कहा कि वो टिकटॉक पर डांस वीडियोस बनाया करते थे और इस दौरान ही डांस करते हुए उन्होंने एक स्टेप इन्वेंट किया जिसको उन्होंने फ्रंट मूनवॉक का नाम दिया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एयरवॉक ये मेरे अलावा किसी ने किया नहीं है, ये मेरा खुद इन्वेंट किया है मैंने। और ऐसे ही मैंने डांस स्टेप करते करते मैंने डिस्कवर किया, मतलब प्रैक्टिस करते करते ही मुझे ये डिस्कवर हुआ। बाबू माइकल का दावा है कि उन्होंने ये स्टेप खुद इन्वेंट किया, ये उनकी इजाद है नाजी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि ये स्टेप पाकिस्तानी कोरियोग्राफर सोनू डेंजर्स ने 2004 में इन्वेंट किया और अपनी एक म्यूजिक वीडियो में उन्होंने इस स्टेप को इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। इस वीडियो को देखते हुए बात साबित हो रही है कि ये स्टेप बाबू माइकल का नहीं बल्कि पाकिस्तानी कोरियोग्राफर सोनू डेंजरस का है। नाज़रीन, पाकिस्तान में टैलेंट की हमेशा ही कदर की जाती रही है और इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, उसको हमेशा सराहा गया है। इस बाबू माइकल की वीडियो को देखने के बाद ऋतिक रोशन ने और टाइगर श्रॉफ ने उसके इस डांस स्टेप को बहुत सराहा, लेकिन बाबू माइकल को मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कुछ चीज बना नहीं सकते, आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते, तो किसी की चोरी मत करें। और अगर आप किसी की चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो खुदा रहा उसको अपने नाम से इस्तेमाल ना करें, ये ऊंचे हथकंडे अपनाना छोड़ दें। उसके क्रेडिट्स तो कम से कम उन लोगों को दे जो कि उसके सही हकदार हैं। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। हमें दें इजाजत, अल्लाह।